मार्च 2024 में IRDA ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कौन सी गाइडलाइंस किन पहलुओं पर खास ख्याल रखने के लिए IRDA ने जोर दिया है। ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, जिनमें शामिल है पॉलिसीज की प्राइसिंग, यानी कंपनीज कब प्राइस रिवाइज कर सकती हैं, कब नहीं कर सकती हैं ये हम जानेंगे, आयुष से जुड़ी हुई नई अपडेट क्या है वो भी हम समझेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन यानी अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करते टाइम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को किन पहलुओं पर खास ख्याल रखना है जो IRDA ने बताए हैं वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड है वो कम हुआ है वो कितना हो गया है वो भी हम समझेंगे, किस किस कैटेगरी के इंश्योरेंस कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर पाएंगी वो भी आज के वीडियो में समझेंगे, मॉरेटोरियम जो पहले 8 साल का एक टाइम होता था वो घटकर कितने साल का रह गया है, इसके अलावा पॉलिसी माइग्रेशन और पॉलिसी पोर्टेबिलिटी की लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है वो भी हम समझेंगे, और कब कब इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती है ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन सभी गाइडलाइंस के बारे में, इन सभी अपडेट्स को आपको समझना क्यों जरूरी है, इनको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप फ्यूचर में उसे यूज करते हैं किसी क्लेम के टाइम, तो अगर आपको इन गाइडलाइंस के बारे में अपडेशन है, आपको अवेयरनेस है, आप इन्हें जानते हैं समझते हैं, तो आप बेहतर तरीके से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे और आपके राइट्स का भी एक्सप्लोइटेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली गाइडलाइन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर। इंश्योरेंस कंपनीज को अब 2 कैटेगरीज में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को बांटना होगा। पहला टाइप है इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये किस तरह की पॉलिसीज होंगी, जो अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, ये बेसिकली इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी ही हैं, जिनमें किसी भी एक तय नुकसान के होने पर एक तय लिमिट तक इलाज या कंपनसेशन देने का वादा किया जाता है। ऐसी किसी भी पॉलिसी को एक इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी कहा जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो टाइप है वो है बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी, जिसके अंदर पॉलिसी में बताए गए किसी भी लॉस या इवेंट के ऑकरेंस होने पर इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम बेनिफिट, एक फिक्स अमाउंट का बेनिफिट इंश्योर्ड को दे देगी। इन्हें बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी कहा जाता है, जिनका एग्जाम्पल है एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसीज होती हैं, ये भी बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी कही जाती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगी, या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगी, उन्हें इन 2 कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना होगा और बताना होगा कि ये पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है या एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी। दूसरी गाइडलाइन है दोस्तों स्कोप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। अलग अलग कैटेगरी की इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से टाइप की पॉलिसीज बेच सकती हैं, इसके बारे में IRDA ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंडेमनिटी बेस्ड या बेनिफिट बेस्ड, इंडिविजुअल और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हर तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर सकती हैं। वहीं पर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी ही इशू कर पाएंगे, यानी जिस पॉलिसी के अंदर कोई इवेंट या कोई नुकसान होने पर उन्हें एक फिक्स अमाउंट का बेनिफिट पास ऑन करना होगा। इस तरह की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ वही पॉलिसीज इशू कर पाएंगी, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो या ग्रुप हेल्थ पॉलिसी हो। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ये इशू नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो एक फिक्स्ड बेनिफिट वाली पॉलिसी है वो इजीली इशू कर सकती हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं, जब तक वो लोन का टेन्योर है बट नॉट एक्सीडिंग फॉर 5 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, मैंने एक पर्सनल लोन लिया जो मुझे 7 साल के अंदर बैंक को या NBFC को वापस पे करना है, तो उस बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 7 साल के लिए मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं है, लोन के टेन्योर तक एक हेल्थ प्रोडक्ट दिया जा सकता है, क्रेडिट लिंक्ड यानी कि जो मेरे लोन के साथ जुड़ा हुआ है वो मिल सकता है,
लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है टेन्योर की वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी हेडिंग के कंटिन्यूएशन में जो फाइनल पॉइंट आता है कि ओवरसीज या डोमेस्टिक जो ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ही ऑफर कर पाएंगी, उनके अलावा किसी भी कैटेगरी का इंश्योरर ये पॉलिसीज ऑफर नहीं कर सकता। तीसरी जो मेन हेडिंग आती है, जो गाइडलाइन दी है IRDA ने, वो है प्राइसिंग से जुड़ी हुई, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्राइस है उससे जुड़ी हुई किन बातों का इन कंपनीज को अब आगे से ख्याल रखना है। पहला पॉइंट है, पॉलिसी के इन बिटवीन यानी साल के बीच में पॉलिसी के प्राइस को रिवाइज नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसे अंडरराइट नहीं किया जा सकता। एक बार पॉलिसी खरीद ली है तो पूरे साल उसका प्रीमियम सेम ही रहेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज को अपने पॉलिसी होल्डर्स को कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबल जो ऑप्शंस हैं इंस्टॉलमेंट के, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, तो उन्हें मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस अपने पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर करने चाहिए। इसके अलावा IRDA इस बात पर जोर देता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसे मैकेनिज्म्स या ऐसे तरीके बनाने चाहिए जिसके जरिए वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को इंसेंटिवाइज कर सके। किस लिए? अर्ली एंट्री इन हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस काफी कम एज में जब वो खरीदें, इसके बदले उन्हें कुछ बेनिफिट्स जरूर पास ऑन किए जा सके, ताकि ज्यादातर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मोटिवेट किया जा सके। इसके अलावा जो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूअली रिन्यू करवाते हैं उनके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स कंपनी को डिजाइन करने चाहिए। इसके साथ साथ जिन कस्टमर्स के साथ उनका फेवरेबल क्लेम एक्सपीरियंस रहा है, यानी जिनके बहुत रेयर क्लेम्स रहे हैं और अनवांटेड क्लेम्स नहीं रहे हैं, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन इंश्योरेंस कंपनीज को देना चाहिए, इन बातों पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंटिव एंड वेलनेस बेनिफिट्स, यानी जो कस्टमर्स अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं, वो फिट रहते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पास ऑन किए जाने चाहिए, जैसा कि आजकल होता भी है। बहुत सारी कंपनीज में आपको वेलनेस प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है। हालांकि IRDA इस बात पर जोर देता है कि जो भी प्रिवेंटिव या वेलनेस बेनिफिट आप अपने पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं वो आपके पॉलिसी वर्डिंग के डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए, ताकि आपका पॉलिसी होल्डर या क्लाइंट इस बेनिफिट को अच्छे से समझ सके। और जैसा कि आजकल होता भी है, आप पॉलिसी वर्डिंग का डॉक्यूमेंट उठाकर देखेंगे तो बहुत जो जरूरी जरूरी फीचर्स हैं वो तो 4 लाइन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेलनेस बेनिफिट आपको 2 पेज के अंदर पूरा बेनिफिट एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, क्योंकि ये IRDA की गाइडलाइंस रही हैं। फोर्थ गाइडलाइन है दोस्तों आयुष ट्रीटमेंट यानी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई। IRDA कहता है एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए आयुष ट्रीटमेंट को लेकर, जो ये दिखाए कि इंश्योरेंस कंपनीज का रवैया क्या है आयुष ट्रीटमेंट के बारे में, और वो इस ट्रीटमेंट को जो बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उनके बराबर का दर्जा दे। यानी पॉलिसी होल्डर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो आयुष ट्रीटमेंट के साथ जाए इस पॉलिसी में, या फिर वो किसी और ट्रीटमेंट के थ्रू अपना इलाज करवाए। तो पूरे तरीके से आपको बराबरी पर रखना है आयुष ट्रीटमेंट को, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनी पॉलिसी में उसे ऐड नहीं करना है। तो एक ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए आयुष ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई, ताकि पॉलिसी होल्डर के पास चॉइस हो कि वो आयुष के थ्रू इलाज करवाए या फिर बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू। पांचवी गाइडलाइन है दोस्तों प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर, यानी जब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्लान डिजाइन करती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजाइन करती है, तो उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए। इन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट IRDA ने रखा है वो ये कि पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो हर एज ग्रुप को कैटर करें। ऐसा नहीं है कि जो बहुत प्रॉफिटेबल एज ग्रुप है 25 से लेकर 45 या 50 साल तक का, सिर्फ उन्हीं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्लान बनाई जा रही हैं। उनकी पॉलिसीज को हर एज ग्रुप को टारगेट करना है, चाहे वो अलग अलग पॉलिसीज के रूप में हो, चाहे वो सिंगल प्लान के रूप में हो। इस बात का खास ख्याल रखें कि सभी एज ग्रुप के पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रोडक्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास होने चाहिए। ऐसा करने के लिए वो अलग अलग ग्रुप भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर स्टूडेंट्स, मैटरनिटी के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं, जिसके जरिए सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की जो नीड है उसको ये प्लान्स कैटर कर सकें, उसको ये पूरा कर सकें। इसके साथ साथ इसी की कंटिन्यूटी में IRDA कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने प्लान्स को या नंबर ऑफ प्लान्स को इस हिसाब से रखना चाहिए कि वो ज्यादातर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या किसी भी मेडिकल कंडीशन को कवरेज करने के लिए बनाए गए हों। ऐसा नहीं है कि सेफेस्ट प्लान्स को डिजाइन कर लिया और अगर किसी के साथ कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उसको कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास अलग से डिजाइन प्लान
प्लान होने चाहिए जो ज्यादातर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी कवर करते हों। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो, लेकिन उनके पास प्लान जरूर होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा पॉलिसी होल्डर है जिसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या मेडिकल कंडीशन है तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सके। सिक्स्थ जो गाइडलाइन है दोस्तों वो जुड़ी हुई है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग पीरियड से। पहले जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन थी और जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड था, मैक्सिमम वेटिंग पीरियड, वो था 48 महीने का। और कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही कब जाती थी, जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, मान लो आज मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, इससे 48 महीने पहले तक कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज की गई है या जिसका मैंने इलाज लिया है, वो मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानी जाती थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 से ये टाइम घटाकर 36 महीने कर दिया गया है। यानी पिछले 3 साल के अंदर जो भी मेडिकल कंडीशन डायग्नोज की गई है, जिसका इलाज लिया गया है और मैं पॉलिसी में डिक्लेयर करता हूं, वो मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी। और इसका मैक्सिमम वेटिंग पीरियड भी 36 महीने ही रहेगा। यानी अगले 3 साल के बाद मेरे डिक्लेयर करने के, पॉलिसी लेते टाइम 3 साल के बाद इसका कवरेज देना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है। इसके साथ साथ IRDA ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने PED और स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड को काफी कम रखने पर भी काम करना चाहिए। यानी कि उन्हें कोशिश रखनी चाहिए कि उनके प्लान्स के अंदर ये वेटिंग पीरियड्स ज्यादा ना हो। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये जुड़ी हुई है मोरेटोरियम से। मोरेटोरियम वो टाइम होता है कि इतना टाइम अगर आपने पूरा कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को चैलेंज या कंटेस्ट नहीं कर सकती। पहले ये टाइम था 8 साल का। अभी जो IRDA ने ये गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने कहा है 60 महीने यानी 5 साल तक लगातार अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, चाहे वो एक इंश्योरेंस कंपनी से हो, एक इंश्योरेंस कंपनीज के 2 प्लान आपने स्विच कर लिए हो, या आपने कंपनी भी चाहे चेंज कर ली हो, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद कंटिन्यू रिन्यूअल होनी चाहिए। चाहे आपने पॉलिसी माइग्रेट की हो, सेम इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अलग प्लान लिया हो, चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की हो, यानी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्लान लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके इस कंटिन्यूटी के टाइम को मोरेटोरियम पीरियड के लिए एलिजिबल माना जाएगा, इसे गिना जाएगा। जैसे ही आपके लगातार 5 साल कंप्लीट होते हैं इस पॉलिसी के, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम इस वजह से मना नहीं कर सकती। पहला कारण कि आपने कोई भी फैक्ट पास्ट में डिस्क्लोज नहीं किया था। अब कई बार ऐसा होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी ये कहते हुए क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि आपने तो पॉलिसी लेते टाइम हमें ये नहीं बताया, कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं बताई, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी वो नहीं बताई। तो इस तरह के क्लेम्स रिजेक्ट नहीं किए जा सकते एक बार अगर आपने 5 साल का मोरेटोरियम पीरियड कवर कर लिया तो। दूसरा, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो क्लेम रिजेक्ट होते थे वो भी डिनाई नहीं किए जाएंगे एक बार मोरेटोरियम का पीरियड कवर हो जाता है तो। लेकिन कुछ मामलों में आपका क्लेम डिनाई, रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम, यानी कि जो एक फ्रॉड क्लेम है, फ्रॉड पॉलिसी है, फ्रॉडुलेंट क्लेम फाइल करते हैं, तो ये आपका क्लेम डिनाई भी किया जा सकता है, बेशक आपने मोरेटोरियम पीरियड भी कवर क्यों ना कर लिया हो। अब ये जो मोरेटोरियम पीरियड है 5 साल का यानी 60 महीने का, ये जो आपकी पहली पॉलिसी आपने खरीदी है उसके सम इंश्योर्ड के लिए एप्लीकेबल है। मान लो आज मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, मेरा सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, 3 साल के बाद मैं उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर लेता हूं, तो ये जो पहले 5 साल कंप्लीट होंगे ये मेरे पहली बार जब मैंने पॉलिसी खरीदी थी उस 10 लाख रुपए का मोरेटोरियम पीरियड कवर हुआ है। उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम में मिसरिप्रेजेंटेशन या पास्ट किसी भी कंडीशन को लेकर क्लेम रिजेक्शन नहीं हो सकता। 3 साल बाद जो मैंने 10 लाख रुपए बढ़ाए हैं, उस 10 लाख रुपए को अपने अगले 60 महीने पूरे करने होंगे मोरेटोरियम की कंडीशन को पूरा करने के लिए, तब उस सम इंश्योर्ड को इस्तेमाल करते टाइम कोई भी जो पुरानी कंडीशन है उसको लेकर रिजेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सम इंश्योर्ड तभी मोरेटोरियम की कंडीशन को पूरा करता है जो कि है 60 महीनों की। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है दोस्तों वो जुड़ी हुई है पॉलिसी माइग्रेशन से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को माइग्रेट करना होता क्या है। अगर मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से और जो प्लान मैंने लिया है अब मुझे वो पसंद नहीं है, उसकी कवरेजेस मुझे कम लगती हैं, तो मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ही दूसरे प्लान में जाना चाहता हूं, तो ये मेरी पॉलिसी की माइग्रेशन कही जाएगी, जिसमें मेरा प्लान चेंज हो रहा है लेकिन मेरी इंश्योरेंस कंपनी चेंज नहीं हो रही है। तो IRDA ने ये गाइडलाइंस दी है कि जो भी जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज इशू करती हैं एक्सेप्ट पर्सनल एक्सीडेंट एंड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को
माइग्रेशन की सुविधा जरूर देंगी, यानी एक प्लान से दूसरे प्लान में जो माइग्रेट करने की सुविधा है वो सेम सम इंश्योर्ड के साथ एटलीस्ट उनको जरूर देनी होगी। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ऐसा है जिसे पॉलिसी लिए हुए 36 महीने नहीं हुए हैं, 3 साल का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो पॉलिसी दोबारा से अंडरराइट कर सकते हैं, उनके रिस्क प्रोफाइल को दोबारा चेक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये टाइम 36 महीने से ज्यादा हो गया है तो वो उसे अलाउ कर सकते हैं पॉलिसी माइग्रेट करने के लिए। सेम यही कंडीशन पोर्टेबिलिटी के लिए है। कोई भी जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसने की एक इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की है पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी को छोड़कर, उनके पॉलिसी होल्डर्स को राइट है अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने का किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनी में, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो। और अगर ये सेम सम इंश्योर्ड के साथ हैं तो ये अलाउ बिल्कुल करना चाहिए अगर पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो। गाइडलाइंस का जो नौवा पॉइंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की रिन्यूअल को लेकर। यानी कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज रिन्यूअल करने से मना कर देती हैं, तो वो कब नहीं कर सकती हैं या किन बातों का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ध्यान रखना है पॉलिसी रिन्यू करते टाइम, वो IRDA ने इन गाइडलाइंस के अंदर बताया है। सबसे पहली गाइडलाइन है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती जब तक वो पॉलिसी किसी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई नहीं है। यानी नॉर्मल सिनेरियो में एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट इसमें है कि आपके पास्ट प्रीवियस पॉलिसी के क्लेम्स के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी आपका रिन्यूअल करने से मना नहीं कर सकती। मान लो मैंने एक पॉलिसी ली थी जिसके अंदर मैंने काफी ज्यादा क्लेम लिए, मुझे लेने पड़े, तो अब इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपने बहुत ज्यादा क्लेम पिछली पॉलिसी में लिए हैं तो हम आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है जिनमें एक बार ही बेनिफिट पूरा पास ऑन कर दिया जाता है, उन पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू बाद में किया जा सकता है, उनका रिन्यूअल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ग्रेस पीरियड के अंदर रिन्यू की जाने वाली पॉलिसीज को भी मना नहीं कर सकती। जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है उससे अगले 30 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चली जाती है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आप पुराने अपने पिछले एग्जिस्टिंग जो बेनिफिट्स हैं, कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं, उनको एज इट इज रखते हुए अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्लेम आ जाता है ग्रेस पीरियड के अंदर और आपका प्रीमियम जमा नहीं हुआ है इंश्योरेंस कंपनी में, तो आपका क्लेम तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन ग्रेस पीरियड में अगर कभी आपका रिन्यूअल इंश्योरेंस कंपनी मना करती है तो वो ऐसा नहीं कर सकती, आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में ही क्यों ना हो उसे रिन्यू करना होगा। अगले पॉइंट में IRDA कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पिछली पॉलिसी में बहुत ज्यादा क्लेम लेने की वजह से आपकी पॉलिसी का प्रीमियम यानी कि प्राइस नहीं बढ़ा सकती, यानी किसी भी तरह की लोडिंग वो इस वजह से नहीं लगा सकती कि आपने पिछले साल पॉलिसी में बहुत ज्यादा क्लेम लिए हैं। बल्कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो उन्हें नए नए तरीके से आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, आपको कुछ बेनिफिट जरूर पास ऑन करना चाहिए। और रिन्यूअल से जुड़ी हुई IRDA की फाइनल गाइडलाइन जो है वो ये कहती है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब आपकी पॉलिसी को रिन्यू करती है सेम सम इंश्योर्ड के साथ, यानी जो पिछली पॉलिसी में सम इंश्योर्ड था बीमित राशि थी उतने ही अमाउंट की पॉलिसी से आप रिन्यू कर रहे हैं, तो आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग दोबारा नहीं कर सकती। यानी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दोबारा नहीं बोल सकती, आपका प्रपोजल फॉर्म दोबारा नहीं भरवाया जा सकता, यानी आपके रिस्क प्रोफाइल को दोबारा नहीं जांचा जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते अगर आपकी पॉलिसी रिन्यू हो रही है फॉर द सेम सम इंश्योर्ड। और फाइनल और 10th गाइडलाइन है दोस्तों सीनियर सिटीजंस को लेकर। IRDA का यह कहना है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग से चैनल होना चाहिए जो डील करे सीनियर सिटीजंस के क्लेम्स के साथ, या उनके अगर कोई ग्रीवेंस है, उनकी कुछ शिकायतें हैं तो उनके साथ डील करने के लिए अलग से एक वर्टिकल, अलग से एक चैनल होना चाहिए जिसको उन्हें अपने वेबसाइट पर भी दिखाना होगा कि कैसे एक सीनियर सिटीजन के ग्रीवेंस को या कैसे शिकायतों को डील किया जा सकता है। एक डेडिकेटेड अलग से मीडियम होना चाहिए जहां पर सीनियर सिटीजन अप्रोच कर सकें किसी भी क्लेम या ग्रीवेंस के मामले में। तो ये जो सारी गाइडलाइंस हैं ये सब IRDA ने दी हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे, आपको ये पता भी चला होगा कि इनमें से कौन से पॉइंट से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, चाहे आपकी पॉलिसी एग्जिस्टिंग है या आप नई खरीद रहे हैं, तो इन पॉइंट से आपकी पॉलिसी के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो हम कमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम उसमें बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि आप हमें कितना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।